हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इस वक्त ट्रेन में और मैं जा रही हूँ रोम, द कैपिटल ऑफ द इटली। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी रोम, और उसके साथ मैंने अपने पास क्वेश्चंस लिख लिए हैं, जो जो मुझसे क्वेरीज जो है करते हैं, मेरी फ्रेंड्स करती हैं, मैसेजेस करती हैं, प्राइवेटली में मैसेजेस करती हैं, कुछ मुझे ईमेल्स आई हैं वहाँ से कि आप हमें ये बता दें, वो बता दें। तो जो जो कुछ मुझसे पूछा गया है, सिंपल प्रोसीजर तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और अगर और भी इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आपकी क्वेरीज को जो है वो क्लियर कर दूँगी। और वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड ग्राफिक्स इन द वीडियो। मैं इतनी अच्छी फोटोग्राफर नहीं हूँ, तो बस जैसी वीडियो मुझसे बनती है मैं वैसी बना देती हूँ। तो आप साथ साथ देखें रोम, और मैं आपको साथ साथ अपनी क्वेरीज के आंसर देती हूँ जो कि मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वहाँ यूरोप में एडमिशन के लिए आपके पास कम से कम CGPA कितना होना चाहिए। तो ये जो है वो मैं तो ये कहूँगी कि डिपेंड करता है आपकी लक पे, क्योंकि मैंने बहुत कम CGPA वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देखे हैं जो कि एडमिशन लेके आए हैं। और दूसरी बात डिपेंड करता है आपके पास IELTS होना चाहिए। तीसरी बात आपकी डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे, कि आपकी प्रोफाइल में ओवरऑल ग्रेड्स क्या हैं। शुरू से ही ग्रेड्स काउंट होते हैं। हाँ, एक ये बात बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ आपके मास्टर्स की ग्रेड्स काउंट होते हैं वहाँ पे जब एग्रीगेट बनता है या मेरिट बनता है, तो नहीं, आपके मैट्रिक से लेके MSc तक के ग्रेड्स काउंट होंगे। अगर आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो MPhil तक के, और साथ में आपकी अगर MPhil में रिसर्च है तो कोई पब्लिकेशन है वो भी काउंट होगी। और हाँ, दूसरी बात ये कि कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या आपकी पब्लिकेशन होना ज़रूरी है वहाँ पे एडमिशन के लिए, तो नहीं, अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो भी आप एडमिशन PhD में ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोग पूछते हैं, और मेरे पास क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं साथ साथ देख रही हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये था मुझसे, जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप देती है, या आपको मतलब इस अकोमोडेशन की भी फैसिलिटीज़ उस स्कॉलरशिप में होती हैं, या फिर आपको स्कॉलरशिप जो है वो मतलब कि उस वो स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ कवर करती है, आपकी ट्रैवल कवर करती है, फूड कवर करती है, या अकोमोडेशन, या सिर्फ स्टडी फंड ही कवर करती है। तो इसका आंसर ये है कि स्कॉलरशिप की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा स्कॉलरशिप अवेल किया है, या फिर आपके पास स्कॉलरशिप आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि या आपने लिया है या नहीं लिया। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो स्कॉलरशिप, जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सारा कुछ फ़ी भी वो खुद पे कर रहे हैं, एकोमोडेशन भी, फूड भी, सब कुछ। कुछ के पास जो है वो नीड बेस्ड ऐसे स्कॉलरशिप हो गए, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गए। यहाँ पाकिस्तान से अगर आप जा रहे हैं तो AGC स्कॉलरशिप्स हैं, रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। तो वो डिपेंड करता है, कुछ स्कॉलरशिप्स में आपको फूड मतलब कि प्लेस और ट्रैवलिंग भी उसमें कवर हो जाती है, कुछ में आपको ओनली फी एग्जम्पशन हो जाती है और बाकी सब कुछ आपने खुद करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कॉलरशिप ले रहे हो। तो अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप की स्पेसिफिकली डिटेल चाहिए तो आप मुझे बताएं, और मैं उसको आपको कमेंट्स में बता दूंगी कि इस स्कॉलरशिप में आपकी क्या क्या चीज़ कवर होगी। और जिनका स्कॉलरशिप नहीं होगा, ऑब्वियसली वो सब कुछ खुद से करेंगे फी समेत। तीसरी जो बात जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है कि क्लासेस वहाँ पे आजकल ऑनलाइन हो रही हैं या इन प्रेजेंस हो रही हैं। तो ये क्लासेस जो हैं वो हमारी मैं चाहती थी कि मैं अपने वो यूनिवर्सिटी का ईमेल यहाँ पर पेस्ट करती, मगर मैं नहीं कर पाई समहाउ। तो क्लासेस जो हैं यहाँ पे ब्लेंडेड मोड में चल रही हैं, मतलब अगर आप चाहें तो क्लास इन प्रेजेंस ले लें, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ले लें। तो आप रूम में बैठ के भी क्लास ले सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी में जाके भी क्लास ले सकते हैं। तीसरी के चौथी बात जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है वो ये है कि आपको क्या आपको सुपरवाइज़र कहाँ से मिला। तो सुपरवाइज़र सबसे पहली बात तो ये है कि मुझसे मास्टर के जो स्टूडेंट मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं, बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं, वो भी मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि आपको सुपरवाइज़र कहाँ से मिला। तो आप लोगों को तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि सुपरवाइज़र ओनली नीडेड फॉर द PhD, और मास्टर्स के बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर, बल्कि होते ही नहीं है कि आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत हो। अगर तो आप मास्टर्स में या बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो ओनली आप अपना एडमिशन प्रोसेस करें, आप अपना वीज़ा प्रोसेस करें और एडमिशन लेके आ जाएं। अगर आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको
सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र लेना पड़ता है और फिर उस सुपरवाइज़र के थ्रू आप जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस कराते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग पूछते हैं एडमिशन के जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में, तो हर कोर्स का इंटरव्यू नहीं लिया जाता। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपका इंटरव्यू भी लेते हैं और उससे पहले आपका टेस्ट भी लेते हैं और फिर आपका एडमिशन कन्फर्म करते हैं। हमारे केस में मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ना ही मेरा टेस्ट हुआ है और मेरा एडमिशन हुआ है बगैर इंटरव्यू और टेस्ट के, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट्स मैंने देखे यहाँ पे जो कि एडमिशन टेस्ट देने के बाद लेके आए हैं। फिर तीसरी बात ये पूछी जाती है कि आपको क्वारंटाइन के बारे में, तो वो ऑब्वियसली आपको जब आप एंटर होते हैं उस दिन से लेके नेक्स्ट 14 डेज तक आपको क्वारंटाइन करना होता है, कंप्लीट क्वारंटाइन। और अगर आप बाहर देखे जाएँ और पकड़े जाएँ तो फिर आपको 1000 से 1500 यूरोज फाइन होता है। 14 डेज से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते और आपको क्वारंटाइन कंप्लीट करना होता है। और आपका जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ पहुँचने के बाद, वो सारी आपकी क्वारंटाइन के बाद स्टार्ट होती है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरे पास आइल्स नहीं है, मैं क्या करूँ। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, सबसे बेहतर तो यही है कि आप आइल्स कर लें। अगर आप आइल्स नहीं कर पाएँ तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, आपका जो कोर्स है जो आपने डिग्री की है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से, डीन से, HOD से, किसी से भी कांटेक्ट करके अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लें जिसमें क्लियरली लिखा हो कि आपकी डिग्री जो है आपने इंग्लिश में की है, ठीक है। फिर जो एक क्वेश्चन मुझसे, जो कि मुझे मुनासिब भी नहीं लगता मुझसे पूछा जाता है, लेकिन बहरहाल मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की उसके बारे में क्योंकि मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ और ज़रूर बताऊँ आपको। तो वो ये है कि लोग पूछते हैं कि आपको स्टडी बेस पे आपके लिए PR लेना आसान है या मुश्किल है। या तो PR लेना आपके लिए आसान है अगर आप लीगलाइज तरीके से लेते हैं। यहाँ पे पहले आप अपने स्टडीज़ कंप्लीट करें। अगर आप 2 ईयर डिग्री के लिए आ रहे हैं तो 2 ईयर कंप्लीट करें, उसके बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट अलाउ किया जाता है कि आप अपना जॉब तलाश करें और 1 साल तक आप वो जॉब कर सकते हैं। 3 साल हो गए आपके, तो उसके बाद आप अपना जब जॉब करते हैं तो आप अपना टैक्स पे करते हैं, और जब 2-3 टैक्स पे हो जाते हैं तो उसकी बेसिस पे आप आगे सुजोर लेते रहते हैं, और 5 साल कंप्लीट होने पे आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। फिर जो एक बात मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं समझती हूँ कि वो पूछी जाती है, वो ये है कि वहाँ पर एग्ज़ाम सिस्टम जो होता है वो पाकिस्तान से कितना डिफरेंट है। तो बाकी मुझे किसी कंट्रीज़ का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो है एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम जो होता है वो 6 मंथ्स का होता है, और उसमें मिड्स पेपर होते हैं, असाइनमेंट्स और क्विज़ के अलावा मैं जनरल बात कर रही हूँ, मिड पेपर होते हैं और फिर फाइनल पेपर होते हैं। और यहाँ पे भी डिफरेंट कोर्स के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए सिस्टम अलग अलग है। जैसे कि हमारे कुछ प्रोफेसर ने जो है वो मिड पेपर नहीं लेते, वो खाली फाइनल पेपर लेते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज़, लैब रिपोर्ट्स, सब कुछ वो इंक्लूडेड होता है। तो उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान में होता है, ये होता है कि यहाँ पे सेमेस्टर 5 महीने के अंदर ख़त्म, स्टडीज़ कंप्लीट कर दी जाती हैं, और जो 6 मंथ होता है उसमें एग्ज़ाम सेशन होता है। सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम उसी तरह ही होता है। बाकी जो है वो क्वेश्चन जो मुझे ज़्यादा रिसीव होता है लड़कियों के हवाले से कि लड़कियों के लिए कितना सेफ़ है वहाँ पे रहना, तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। आप अकेले आ सकते हैं बगैर किसी डर के, बगैर किसी चीज़ के, आराम से आएँ, ट्रैवल करें, यहाँ पे रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पे टोटली सेफ़ है, आपको मतलब कि फील भी नहीं होगा कि आप एक लड़की हो जब आप यहाँ आ जाएंगे। और कोई बात जो है वो मुझसे ज़्यादा पूछी जाती है, मैं देख लूँ कोई क्वेश्चन रहता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, एक तो वो रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। 15 से 25 के इन बिटवीन के वीज़ा लगे हैं तो इतनी आपकी होनी चाहिए, और वो आपकी फेक नहीं होनी चाहिए। और वो एकदम से अमाउंट डिपॉजिट ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, थोड़े से करें, फिर थोड़े से करें, फिर थोड़े से करें, और जब तक आपका वीज़ा का आपका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप उसको दोबारा से एकदम से अमाउंट जो है वो निकलवाएं नहीं। तो बाकी मेरे ख्याल से मुझे जो क्वेश्चंस इनबॉक्स में आते हैं
वो सारे मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी और आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी पूरी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपको रोम भी पसंद आया होगा। मैं खुद भी विज़िट करने गई थी, मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज़ करने थे रोम से, मैंने वो भी करवाए थे। मैं किसी और सिटी में रहती हूँ इटली की, और रोम जो है वो कैपिटल है, मुझे विज़िट भी करना था, मैंने विज़िट भी किया और आप सबके लिए भी वीडियो बनाई ताकि मैं आप सबको भी दिखा सकूँ। बाकी भी मैं इन फ्यूचर किसी और सिटी में जाती हूँ तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। अभी मैं ट्रेन में हूँ क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड गिव अ बिग थम्स अप।